Mr. K. C. K. Debu, thank you so much for joining us, sir. I hope you can hear me. Sir, if you're there with us. Yes. Yes. Sir, thank you for speaking with us, sir. Sir, the people of India have lost a great icon, somebody who personified not only business acumen, but, you know, the genteel approach that is needed to deal with life. But he also happens to be a Parsi, and he also happens to be someone, you know, who was very approachable, who actually made everyone feel at home. What are your thoughts, you know, about Ratan Tata, and are there any anecdotes that you can recall, any stories that you have in your mind, which tell you, you know, which give you an insight into the life and times of this great man? Sir? Hello. Hi. Yes. My National Commission for Minorities, mein Vice Chairman, Ji. Parsi community ka member hoon. Ji, sir. Ratan Tata Ji, humare Parsi community ke member the. Main Gujarat se aa raha hoon, Navsari sir se aa raha hoon. Ye sir, Navsari, जहाँ जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था उसी शहर से मैं आ रहा हूँ। तो ये भारत के सबसे सिरमौर समान एक ऐसी व्यक्ति आज हमने खो दी है जिसने जिसके कारण पूरा भारत और शोक में डूब गया है। रतन टाटा जी एक ऐसे उम्दा आदमी थे जो हर क्षेत्र में सबसे आगे थे। उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, फिलोसोफिस्ट थे, पर्यावरणवादी थे, एनिमल लवर्स थे। तो उसकी जो बहुमुखी प्रतिभा थी, ऐसी कोई व्यक्ति आज तक मैंने भारत में नहीं देखी। तो ये एक ऐसी व्यक्ति थी कि जिसको भारत में सभी लोगों का प्यार मिला, क्योंकि वो एक भारत माता का ऐसा संतान था कि उसके लिए देश प्रेम सबसे ज़्यादा और प्रमुख स्थान पे थे। तो इसीलिए जब भी देश को तकलीफ हुई तब टाटा ने मदद की है। टाटा ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज भारत में लगाई है जिसमें लाखों लोगों को रोजगारी मिलती है, और जो सरकार को रेवेन्यू मिलती है वो टाटा ग्रुप से सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलती है। तो ये जमशेदजी टाटा नवसारी जैसे एक छोटे शहर से बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और वो पूरे विश्व में छा गए। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का जो व्याप था उसको कई तरफ से बढ़ा दिया। कई साल पहले रतन टाटा जी ने वो टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तब से आज तक उसने उच्च कोटि के सभी स्थान प्राप्त कर लिए और उसका साम्राज्य विश्व भर में फैला गया। कम नसीबी तो यह है कि टाटा ग्रुप की कम नसीबी ये है कि टाटा ग्रुप के घराने में बच्चे की पैदाइश बहुत कम है। खुद रतन जी ने भी शादी नहीं की थी, उसके भाई ने भी शादी नहीं की थी, पर उसका जो स्टेप ब्रदर नोएल टाटा है उसके तीन बच्चे हैं। तो अभी वो जो टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए वो सब सक्षम है। तो हमें उम्मीद है कि टाटा ग्रुप का आज जो स्थान है वो आगे बढ़ाने के लिए ये उसका परिवार खूब कष्ट करेंगे, और जो टाटा ग्रुप की इमेज विश्व भर में है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा परिवार अपना योगदान देंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.